हेलो एवरीवन, आज हम निकले हैं गोविंद घाट से और आज हम जाने वाले हैं श्री बद्रीनारायण। तो श्री बद्रीनारायण आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं और मेरा भी इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। तो आज 25 किलोमीटर का ट्रैक है बद्रीनारायण तक गोविंद घाट से, तो देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। वैसे कोशिश तो अपनी यही रहेगी कि आज बद्रीनाथ तक पहुँचा जाए, क्योंकि उसके बाद सतोपंत और उसके बाद माणा गाँव भी जाना है। तो बने रहिए साथ और वीडियो को भाई साहब स्किप करोगे ना मजा खो बैठोगे, क्योंकि यहाँ का हर एक मूवमेंट बहुत ही सुंदर है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, आगे चलते हैं। बैठा हूँ मैं निखिल पीठ आश्रम पांडुकेश्वर में, जो पीछे गोविंद घाट है 2 किलोमीटर आगे। तो अभी हम यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं और थोड़ा जलपान करने के बाद निकलेंगे बद्रीनाथ। तो आप भी देख लीजिए पीछे और आप भी दिखा दीजिए, आश्रम बहुत सुंदर है और बहुत ही शांति है। तो हेलो एवरीवन, बहुत दिनों से ना लोग कह रहे थे मुझे झरने में नहाओ झरने में नहाओ। यार झरने में नहाना मजाक तो है नहीं, इतना ठंडा पानी है ना। लेकिन मैं आज बहुत दिनों से नहाया नहीं हूँ और खुजली हो रही थी, तो मैंने कपड़े धो के सुखाने डाल दिए। अब बारी है नहाने की, तो अब नहाते हैं मज़े से और फिर चलना है बद्रीनाथ की तरफ। और अपन हो चुका है ऐसा, अब नहाने चलते हैं। तो बाय बाय। मैं पहचानने में तो आ रहा हूँ ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहचानने में नहीं आ रहा। अभी ड्रेस कोड बदल दिया क्योंकि वो हो गई थी भाई गंदी बहुत, इसलिए पीछे नहाए झरने पे तो मैंने चेंज कर दी, इसलिए धोती में हूँ अभी। और भाई साहब मेरे साथ हैं पटना वाले और अभी बना रहे हैं मैगी, आपको बताया फेवरेट है अपनी। ये हमारा गैस चूल्हा दिखा दो भाई थोड़ी, ये गैस ये है हमारे पास एक कैंपिंग स्टोव, ये पोर्टेबल है, यहाँ से फोल्ड हो जाता है तो कैरी करने में बहुत आसान होता है। आप लोग तो देखे ही होंगे अगर कैंपिंग वीडियोस देखते होंगे तो। और ये बहुत बेसिक चीज़ है एक ट्रैवलर के लिए, एक ट्रैकर के लिए। और ये है प्याज और टमाटर कट चुके हैं, अब लगाता हूँ मैं इसे और इसे भी देख लीजिए आप कैसे कैसे ये चलता है। और ये है एक सिलेंडर, इसके अंदर ब्लूटेन गैस है। और ये लगा रहा हूँ। और ये रही मैगी, यही है हमारे पास बेसिक बर्तन और बेसिक सामान। खुले नहीं लाइयो, खुलना नहीं लाइयो, ऐसा है ये मामला। और ये खुलता है ऐसे, इसका नीचे का ये जरूर खोलना पड़ता है क्योंकि ताकि गैस नीचे की तरफ आती रहे। ये इसका ऐसा है मामला, इसको लगाना पड़ता है, खांचे में बैठाना पड़ता है। फिर इसे यहाँ बैठाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। अभी हो चुका है तैयार और इसके ऊपर रखने वाले हैं हम ये रखने वाले हैं इसके ऊपर ऐसे। पहले जलाते हैं थोड़ी, जल गया है इसके ऊपर रखते हैं ऐसे ये। तो मैगी बनाना है तो सबसे पहले डालेंगे पानी, भैया होटल में भी काम कर चुके हैं। हाँ, तो अभी हमारी स्टोव जल चुकी है और इसके ऊपर है एक कुकर छोटा सा, और मैगी बनाने के लिए सबसे पहले पानी डालेंगे। ये भैया तेल नहीं है यार, मैं क्या सिखा रहा हूँ लोगों को मैगी बनाने के लिए क्या
अभी यहाँ तेल नहीं है ना भाई, यही है, होटल में भी ऐसी बनती है, पहले पानी डालते हैं, फिर प्याज और टमाटर डालते हैं, उनको उबालते हैं, उनका जब रस निकल जाता है तब मैगी डाली जाती है। और जो होटल वाला है, होगा है कि नहीं भाई ऐसी बात, कमेंट करो। पानी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम ये प्याज जो कट रखी है अच्छी सी। तरास तरास गढ़वाली में बुलाने वाले तरास। नीचे रोड दिख रही है, वो है सीधे उधर उधर की तरफ, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट है, टूट भी रखा है तो घास वास पकड़ पकड़ के, ये भाई साहब की तो हो गई हालत ख़राब। तो घास वास पकड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं और अब कोशिश करेंगे कि ऊपर भी पहुँच पाएँ, क्योंकि 4 किलोमीटर बस रह रखा है, 4 किलोमीटर के बाद हम पहुँच जाएँगे बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ के दर्शन आपको भी करवाएँगे। बाय बाय।